नमस्कार, मैं अखिल शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं डीएनए पॉलिटिकल डेस्क। हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के जर्नलिस्ट आदित्य प्रकाश जी, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल ने जो कल मिसाइलें दागी हैं हिजबुल्ला की, और उसमें अब तक 500 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और 1500 के आसपास लोग घायल हुए हैं। तो इसके पीछे किसकी साजिश है और ये पूरी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आदित्य जी, सबसे पहले बताएं कि जो कल इसराइल की तरफ से इतना बोल्ड मूवमेंट लिया गया, स्टेप लिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक लंबे अरसे से जो इसराइल है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, जी। और जैसे आपको पता है कि गाज़ा पे लगातार हमले हुए, और गाज़ा में जो एक अलग कवायद है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है उनका फिलिस्तीन को लेके, जो कि एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं, जी, जिसमें कई सारे इलाकों पे उनका दावा है। तो ये लगातार इसराइल अगर देखें तो पिछले कई महीनों से लगातार संघर्षरत है, युद्ध में है। अभी मौजूदा दौर क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जो इसराइल है वो जो युद्ध की स्थिति थी, वो आप अगर देखें ना, तो आप जब इसराइल का मानचित्र देखेंगे, मैप देखेंगे, तो जो साउथ का इलाका होता है वो गाज़ा का इलाका है, जी, ठीक है। वो इलाका जो है वो सीमा लगता है इजिप्ट के साथ, जिसको हम मिस्र बोलते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई अभी मौजूदा है ये नॉर्दर्न साइड में है, जहाँ पे जॉर्डन है, लेबनान है। जी, लेबनान की अगर बात करें, जहाँ पे अभी इसराइल ने, मैं दर्शकों को बता दूँ कि कल इसराइल की तरफ से जो इसराइल की आर्मी है, जिसको IDF कहा जाता है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उनकी तरफ से 1300 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल दागी गई, और ये हमले हुए हैं लेबनान में, और लेबनान के उन इलाकों में जो हिजबुल्ला के सेंटर्स हैं, जो माना जाता है कि उनका गढ़ है, वहाँ पे हमले किए गए। और इन हमलों में 500 लोग अभी तक का है, मतलब जैसे मॉर्निंग में बात जब खबर आई थी तो कहा गया कि 400 लोग मारे गए हैं, जी, ये आंकड़े अब 500 हो गए हैं, और ये आंकड़े बढ़ के 1000 तक भी जा सकते हैं। जी, हालांकि हम नहीं चाहेंगे कि आंकड़े बढ़े, लेकिन क्योंकि यही दुखद खबर है, किसी की भी मौत तो मौत ही होती है। और घायलों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1600 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 1600 से ज़्यादा लोग घायल हैं, आप समझ सकते हैं, और 1300 ठिकानों पे हमले किए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अटैक है। और अगर अकेले एक बात और बता दूँ, लेबनान में 18 साल बाद ऐसा बड़ा हमला हुआ है। जी, इससे पहले 2006 में इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध की स्थिति थी, उस टाइम इतने बड़े जो है ना हमले हुए थे। 18 साल बाद इतने बड़े स्तर पे हमला होना, कहीं ना कहीं लेबनान के जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो इस युद्ध से जिनका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, जी, वो भी काफ़ी खौफ ज़्यादा हैं, और बहुत सारे लोग तो शरणार्थी बनने के लिए घूम रहे हैं, ट्रैफिक जाम लगा है सड़कों पे, क्योंकि सबको लग रहा है कि पता नहीं कब किधर से अटैक हो जाए। जी, और लेबनान में अभी नेक्स्ट वीक के लिए लोगों को कहा है कि घरों में ही सुरक्षित रहने के लिए और सतर्क रहने के लिए। लेकिन मुझे लगता है लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है, जैसे कि अभी पेजर अटैक हुआ। हाँ, पेजर अटैक है अभी लेबनान में ही देखने को मिला। एक्चुअली पेजर अटैक पे तो हमने बात की थी, एक्चुअली मोसाद, उस पर कहा गया कि मोसाद ने जो है चीफ फिट कर दिया था, जिसके वजह से पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए। जी, लेकिन वो धमाके इतने ज़्यादा जो है ना मोर्टल नहीं थे, इतने ज़्यादा नुकसान नहीं थे। जी, अभी आप समझ सकते हैं कि 500 लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, और इतने सारे लोग मर गए हैं, और युद्ध जो पेजर वाला पार्ट था, मुझे लगता है थोड़ा ग्रेश भी था, कि उसमें कोई सामने से समझ में नहीं आ रहा था कि अटैक किसकी तरफ से किया गया। बिल्कुल, ये जो पेजर, आपको जैसे पता है जब मोबाइल बहुत ज़्यादा चलन में नहीं था तो पेजर का इस्तेमाल होता था। जी, और उसमें कहा, उसे एक भारतीय का भी नाम आया था, जो कि भाई केरल के रहने वाले थे, उन्होंने मोसाद ने उनके थ्रू ये काम करवाया था। और पेजर अटैक का जो ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चौंकाया है, और कहा, मतलब अब दुनिया में ये भी बात हो रही है ना कि साइबर अटैक्स क्या इस तरह से भी आएंगे कि बंदा कोई बैठा है सिस्टम पे काम कर रहा है, वहाँ पे धमाका हो जाए। बिल्कुल, किसी को नहीं पता है ना कि आप जहाँ से लैपटॉप खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, नहीं हुआ है। इसको लेके मुझे लग रहा है हर देश में सतर्कता है, और सुरक्षा एजेंसियां जो है ना वो काफ़ी चौकन्ना हो गई है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को क्या पता है कि कौन सा बंदा जो है, जो दुश्मन मुल्क है, वो किसको उसने हायर कर लिया है, और कहां से चीज़ें हो रही हैं। जी, बाकी अगर मुद्दे पे आए तो ये एक बहुत ही बड़ा हमला है। और लेबनान इसराइल को लेकर क्या है ना कि मैं बताऊँ कि जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, और शिया वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ईरान का सपोर्ट है, ईरान एक शिया कंट्री है, और
लेबनान में लंबे टाइम से एक्टिव है, और इनका दावा, ये शिया लोग हैं, और आपको पता है कि ईरान और इसराइल के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और हाल में हमने देखने को भी मिला, और इसको लेके भी बहुत तरह की बातें उठी है। जब से मेजर अटैक हुआ है तो बहुत सारे लोगों का दावा किया दावा है कि जो इसराइल के राष्ट्रपति सॉरी ईरान के राष्ट्रपति की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उसमें भी एक नया शगुफा आया है कि उसमें भी इसराइल का हाथ हो सकता है। तो ये भी नई बात आई है, और क्योंकि पेजर अटैक ने लोगों को चौंकाया है, तो जी अब तो इस तरह कोई की बातें आ रही है। हैरान करने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि बिल्कुल कोई भी पीछे से आपको ऐसी चोट दे सकता है और बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। और लेबनान का एक दावा है कि इसराइल ने उनके कुछ इलाकों पे इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, तो लेबनान में एक सेंटीमेंट भी है इसराइल के खिलाफ, और फिलिस्तीन की लड़ाई तो पता ही है, जो पैन अगर देखी जाए तो इस्लामिज्म की बात है, पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि भाई उनका सपोर्ट होता है कि फिलिस्तीन को लेकर मसला हल किया जाए। जी तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर अगर हम बात करें तो युद्ध से तो किसी का फायदा है नहीं, और लगातार नुकसान ही हो रहा है, पॉलिटिकल टेंशन के बीच आम आदमी पिस रहा है। बिल्कुल, और लगातार यूएस की तरफ से भी और भारत ने भी यही कहा है कि युद्ध कोई मतलब मसले का हल तो है नहीं, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि युद्ध रुके। बाकी इसराइल काफ़ी खतरनाक, मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी एडवांस कंट्री है, कंट्री भले छोटा है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में, एजेंसीज के मामले में मोसाद को दुनिया का सबसे ताकतवर एजेंसी माना जाता है, सबसे ताकतवर एजेंसी में से एक माना जाता है। जी। तो उनके पास एक वो ताकत है, और इसराइल एट द सेम टाइम यूएस का अलाई है, तो वेस्ट कंट्री से सपोर्ट कहीं ना कहीं उसे मिलता है। बाकी जो ये आज का जो धमाका है, आज का जो हमला है, इसको लेके एक बहुत बड़ी बात यह है कि क्या वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा इस मसले पे, इस्लामिक वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि टर्की बगल में है, क्योंकि टर्की और ये सारे देश तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या उनका क्या स्टेटमेंट रहता है। ईरान ने फिर से कहा है कि अगर हमने हिजबुल्ला को अपने हथियार दे दिए तो इसराइल के लिए खतरा हो सकता है। तो बातें तो बयानबाजियों का दौर तो है, बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन इससे एक न्यू जियोपॉलिटिकल स्थिति जो है बन सकती है। और अभी जब लगातार रशिया यूक्रेन को लेके दुनिया जो है वॉर के जद में है, तो ऐसे में ये युद्ध जो है, और इसराइल एक ही समय पे कई अलग अलग मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा है, जैसे आपको बताया कि साउथ में वो गाजा में है जी, हमास के साथ उसकी भिड़ंत है वहाँ पे, साउथ में नॉर्थ एरिया में अभी लेबनान में हिजबुल्ला के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो इसराइल के लिए भी ये मुश्किल है। और आपको बता दें कि इस हमले के बाद इसराइल ने खुद स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है 30 सितंबर के लिए। जी, इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी सिर पर है, तो ऐसे में ये जो वॉर है वो कितनी ज़्यादा निर्णायक होने वाली है। देखिए, यूएस का जो चुनाव है, आज से नहीं हमेशा से, जब इसराइल वॉर में होता है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है यूएस के चुनाव में। तो अभी नवंबर में वहाँ पे वोटिंग भी होने वाले हैं, तो इस वॉर का और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, इसराइल कई मोर्चों पे लड़ाइयाँ लड़ रहा है और लेबनान में अटैक्स हुए हैं, तो इसको लेके तो वहाँ इम्पैक्ट रहेगा ही। और हमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस है कैंडिडेट, उनका रिएक्शन कैसा आता है, और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं। ट्रंप का कहना है कि वॉर लाइक सिचुएशंस जो मिडिल ईस्ट में देखने को हमें मिल रहा है, या फिर जो हम रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ बाइडेन गवर्नमेंट की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। जी, तो ट्रंप का तो दावा यही होगा कि हम आएंगे तो हम बिल्कुल युद्ध को ख़त्म करेंगे, और कहीं ना कहीं यूएस में एक सेंटिमेंट है कि युद्ध को रोका जाए, तो ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा। और ये बिल्कुल, ये जो अभी मौजूदा जो अटैक्स हुए हैं इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला इंटरनेशनली, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। और देखिए, इंतज़ार यही रहेगा कि जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये जो अटैक है ये साधारण अटैक तो है नहीं जी, ये काफ़ी बड़ा अटैक है, और 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है, तो काफ़ी कुछ इसमें आने वाले वक्त में जो राजनीतिक समीकरण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो काफ़ी बदलते नजर आने वाले हैं। जी, तो अब ये जो स्टेट ऑफ वॉर है ये कब तक चलती है, कब तक ऐसे ही निर्दोषों की जान जाती रहेगी, हम आपको सारी अपडेट्स ला कर देंगे। तब तक के लिए आप फॉलो करते रहें डीएनए।